भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आनंद का दिन है कि 2017 दिसंबर में जिन दो राज्यों में चुनाव होना था वो समाप्त हो गया, आज मतगणना भी समाप्त हो गई है और हिमाचल और गुजरात दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और फिर एक बार हम विजयी होकर बाहर आए हैं। मैं सबसे पहले गुजरात और हिमाचल की जनता को भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की ओर से और मेरी ओर से हृदयपूर्वक धन्यवाद भी देना चाहता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि मोदी जी की विकास की यात्रा में उन्होंने अपना भरोसा जताया है और फिर एक बार गुजरात में हमें सेवा करने का मौका दिया है, हिमाचल में हमें विकास की यात्रा में जुड़ने के लिए मौका दिया है। यह जीत भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता के अथाह परिश्रम की जीत है। यह जीत प्रधानमंत्री जी की नीतियों की और जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है उसके गरीब लक्षी कार्यक्रम है, इसकी जीत है। मित्रों, ये जीत वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण के ऊपर विकासवाद की जीत है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की जीत है। जब से नरेंद्र भाई इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश की राजनीति से ये तीन नासूर जो देश के लोकतंत्र पर दुष्प्रभाव डालते थे, एक जातिवाद, दूसरा वंशवाद और तीसरा वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण, तीनों नासूरों को देश की राजनीति से मुक्त करने का एक प्रयास कर रहे थे और उत्तर प्रदेश के बाद अब गुजरात के चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया है कि देश का लोकतंत्र अब लगभग ये तीनों नासूरों से मुक्त होकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के नए एरा के अंदर एंटर हो रहा है। जो परफॉर्म करेगा, जो विकास करेगा, जो जन आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा, उसी को लोकतंत्र के अंदर जीत मिलेगी। तो मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के 70 साल के बाद हमारा एक लोकतंत्र करवट बदल रहा है और एक नए एरा में, नए युग में हमारा लोकतंत्र प्रवेश कर रहा है और इसका संपूर्ण श्रेय समग्र देश में अब तक जितने चुनाव आए वो सभी राज्यों की जनताओं को भी हम देना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता जो मोदी जी के नेतृत्व में अहर्निश परिश्रम कर रहे हैं उनको भी पार्टी देना चाहेगी। जहां तक गुजरात का सवाल है, गुजरात में 1990 से भारतीय जनता पार्टी चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का हो कभी नहीं हारी। लगातार हम छठी बार वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारा वोट प्रतिशत 2012 के मुकाबले गुजरात के अंदर बढ़ा है। 2012 में भारतीय जनता पार्टी को 47.85% वोट मिला था और 2017 में अभी तक के जो आंकड़े हैं उससे 49.10% वोट मिला है। इसका मतलब होता है इतने घोर जातिवादी प्रचार के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के जन समर्थन में 1.25% की वृद्धि हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुजरात की जनता का जो विश्वास है इसकी ये द्योतक है। गुजरात के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से मुद्दों से भटककर पूरे चुनाव को जातिवाद की दिशा में ले जाने का प्रयास किया गया, पूरे गुजरात को जिस तरह से जातिवादी की आग में झोंकने का प्रयास किया गया, गुजरात की जनता ने उसको विफल बनाया है, उसका भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत आनंद है। एक भ्रांति फैलाकर, मुद्दों से भटकाकर जो प्रयास हुआ था उसका नतीजा यह आया है कि कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता हारे हैं।
चाहे वो शक्ति सिंह जी हो, चाहे वो तुषार चौधरी हो, चाहे सिद्धार्थ पटेल हो, चाहे वो अर्जुन भाई मोडवाड़िया हो, सारे प्रमुख नेता चुनाव में हारे हैं। ये कांग्रेस के नेतृत्व ने जो आउटसोर्सिंग से चुनाव लड़ने का एक प्रयास किया था, इसका नतीजा है। और आप अगर ध्यान से कांग्रेस का घोषणा पत्र भी देखे होंगे तो जिस राज्य की टोटल रेवेन्यू 70,000 करोड़ है, उस राज्य के घोषणा पत्र के लिए सालाना 1,20,000 करोड़ के प्रॉमिस दिए गए थे। 70,000 की रेवेन्यू के सामने 1,20,000 करोड़ के प्रॉमिस दिए थे, फिर भी गुजरात की जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया है और गुजरात में हम चुनाव जीतकर बाहर आए हैं। पूरे प्रचार के दौरान हर बार प्रचार का स्तर नीचे ले जाने का प्रयास हुआ, अलग अलग प्रकार की जो लोकभोग्य नहीं है इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी हुआ, अलग अलग प्रकार से जातिवाद को भड़काने का भी प्रयास हुआ, मगर मोदी जी ने जो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की शुरुआत की है, विकास की यात्रा की जो शुरुआत की है, गुजरात की जनता ने इसमें अपना भरोसा जताते हुए फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया है। हिमाचल के अंदर बहुत बड़े अंतर से हम जीते हैं। जहां तक हिमाचल का सवाल है, 2012 में हमें 38.47% वोट मिले थे और इस बार 48.50%, मतलब 10% की बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल की जनता ने मोदी जी का जो हिमाचल के साथ रिश्ता है उसको फिर से एक बार पुष्ट किया है, उसको उन्होंने फिर से एक बार ताजा करते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी श्रद्धा जताई है और हिमाचल नरेंद्र मोदी जी की विकास यात्रा में जुड़ना चाहता है, ये परिणामों से स्पष्ट होता है। हिमाचल में 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनी है, ये हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है। जहां तक राजनीतिक नतीजों का सवाल है, एनडीए की सरकार बनने के बाद, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश में जितने चुनाव हुए लगातार बीजेपी ने अपनी स्थिति को बेहतर किया है, अपने जन समर्थन को बढ़ाया है। 2014 के पहले पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की 5 सरकारें थी और एक सरकार में हम साझेदार थे। आज ये दोनों राज्यों के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की 14 सरकारें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और 5 सरकारें ऐसी हैं जो एनडीए की है जिसमें हम हिस्सेदार हैं। तो कुल मिलाकर देश के 19 राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की जो सरकार बनी, लगभग किसान, गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिला और गांव के उत्थान के लिए 106 से ज्यादा योजनाएं लेकर मोदी सरकार आई है और उसी का परिणाम है कि सारी योजनाएं नीचे तक परकोलेट होकर एक प्रचंड जन समर्थन में कन्वर्ट हुई है। देश का अर्थतंत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर के जितने भी रेटिंग देने वाली संस्थाएं हैं वो उसको सर्टिफाइड कर चुकी है और एक विकास यात्रा जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, इसको जहां जहां चुनाव आया जन समर्थन मिला है। आने वाले दिनों में और 4 राज्यों के चुनाव आने हैं, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और कर्नाटक। मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये 4 राज्यों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी या हम सहयोगियों के साथ लड़ेंगे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की निश्चित जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये 4 राज्यों में सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पवान है। मोदी जी के नेतृत्व में 2019 का चुनाव जब हम लड़ने जाएंगे तब पूरे देश भर के अंदर ये जन समर्थन हमें एक बार फिर से प्राप्त हुआ होगा। 2014 से 2019 के बीच में वो हमारा हौसला बढ़ाएगा और मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है 2022 का, न्यू इंडिया की कल्पना देश के युवाओं के सामने रखी है, मुझे लगता है कि हम उसको सिद्ध कर पाएंगे।
और मैं फिर से एक बार मेरी बात समाप्त करने के पहले भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कई प्रमुख नेताओं ने इस चुनाव में अहर्निश काम किया है, दिन रात काम किया है, बिना थके काम किया है, वो सभी का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते हृदय से धन्यवाद करता हूं। हिमाचल और गुजरात की जनता का भी धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देती रहेगी और ये आशीर्वाद को हम विकास यात्रा में तब्दील कर देश को 2022 तक बहुत आगे बढ़ाने का और न्यू इंडिया की कल्पना को सच करने का विश्वास के साथ प्रयास करेंगे। यही बात कर मैं मेरी बात समाप्त करता हूं।